आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपना फोन उठाओ, क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि फॉर मून इट्स मास इज 1/81 ऑफ अर्थ मास एंड इट्स डायमीटर इज 1/3.7 ऑफ अर्थ डायमीटर। अब हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ एट अर्थ सरफेस गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हमें मून के सरफेस पे ग्रेविटी पूछा है, राइट? तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हमारा जी इक्वल्स टू होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, राइट? तो ये जी ई जो हमारा है वो हो जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर और ये हमें गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? सिमिलरली हमारा जी एम जो होगा मून के सरफेस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो हमारा हो जाएगा जी एम एम अपॉन आर एम का स्क्वायर। अब आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास आएगा जी ई अपॉन जी एम इक्वल्स टू एम ई अपॉन एम एम इंटू आर एम अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। जी का वैल्यू पुट कर दीजिए, एम ई अपॉन एम एम का वैल्यू पुट कर दीजिए और आर एम अपॉन आर ई का वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपके पास आएगा 9.8 अपॉन जी एम इक्वल्स टू 81 इंटू 1 अपॉन 3.7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका जो जी एम है वो आएगा आपके पास 3.7 का होल स्क्वायर इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 81। तो जो आपका जी एम आप कैलकुलेट करेंगे वो आएगा 1.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? ये हमें कैलकुलेट करना था तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन टू है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थैंक यू एंड गुड लक। क्लास 11 12 से लेके नीट के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप।